गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट्स में हम जैसे पहले कर चुके हैं कि कोई भी हमारा पावर जो नेगेटिव में दे रखी हो तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट में नेक्स्ट पार्ट है, उसके लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड वैल्यू ऑफ एम इफ, अब इसने क्या दे रखा है, 5 पावर m डिवाइड 5 पावर -3 इक्वल टू 5 पावर 5, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू निकाल दी। मैंने अभी बताया था कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो और बेस सेम हो और डिवाइड में दे रखा हो तो पावर माइनस हो जाती है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो पावर ऐड हो जाती है। लेकिन इसमें किस में दे रखा है, डिवाइड में, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 इसकी पावर हो जाएगी m माइनस, और ये -3 पहले से ही था, पावर माइनस होगी बोला था तो m माइनस का साइन लगा है और -3 पहले से ही दे रखा था, वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। तो हमें पता है 5 की पावर m -3 इक्वल टू 5 की पावर 5 है। अगर हमारे ये चीज़ इक्वल आ रही है तो ये जो पावर है ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इनका बेस ही इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल होंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, m ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये इक्वल टू ये पावर कितनी, 5। तो अगर बेस सेम है हमारा, इक्वल आ रहे हैं तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। तो अब हम m की वैल्यू निकालिए, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 -3 2। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, m इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जब क्या होगा 5 पावर m डिवाइड 5 पावर -3 इक्वल टू 5 रेज्ड पावर 5, ये होगा। तो हमारी m की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल रखा है सिंप्लीफाई करना हमें, ठीक है। तो इसमें इसने बोल रखा है 3 पावर -5 दे दिया, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड में दे रखा है इसने 5 रेज टू पावर -7 एंड 6 रेज टू पावर -5। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे 3 हो गया, इसकी पावर -5 है, तो मैंने बोला था 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो हम सारी पावर को पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये था, पहले यहाँ देखो पावर 125 दे रखा है, इसको 125 को हमने पॉजिटिव में था लिख दिया। अब ये वाली पावर नेगेटिव में थी तो ये ऊपर चली जाएगी, क्या लिख सकते हैं इसको, 6 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ये 5 की पावर 7 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो थे ये डिवाइड में आकर पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले पार्ट में किया था कि जैसे पावर नेगेटिव दे रखी हो, जैसे 3 की पावर -5 दे रखा, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 5 पॉजिटिव में हो जाती है। तो इसको 3 को मैंने 1/3 लिख दिया, नीचे आ गए, अब पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कह सकते हैं, 125 जो दे रखा है इसको लिखो 125 मल्टीप्लाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी पावर 5 है, तो 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और 3 की पावर भी 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया, और ये दे रखा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 5 होता है ना, और 5 की पावर 5, यानी 2 5 10 और पावर 5 था, तो दोनों के ऊपर पावर 5 हो गया, जैसे हमने 6 को कन्वर्ट किया था। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, 3 की पावर 5 था, 3 की पावर 5 यहाँ है, 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 5 ये रहा, 5 पावर 5 ये रहा, और 5 की पावर 7 यहाँ था, तो क्या बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये तो सारे कैंसिल हो गए, तो अब कितना आ जाएगा इनको सोल्व करके, 125 मल्टीप्लाई 5 25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 125 25 2 50 एंड 12 कैरी 62 एंड 12 1 25 1 25 और 6 होता 31। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके। पहले हमने क्या किया, तो नेगेटिव पावर की फॉर्म में दे रखा था, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो गए, जिसको जहाँ पहुँचना था अपनी पॉजिटिव पोजीशन पर वो पहुँच गया। फिर उसके बाद जो चीज़ें कैंसिल हो रही उनको कैंसिल करके बाकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये था हमारा सिंप्लीफाई करना,
पावर को कन्वर्ट करना पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में। और इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें निकालना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अब देखो इसने कोई एग्जांपल ले लेंगे हम, इसने 0.00008837 कुछ इस टाइप का दे दिया। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हमने देखा है कि अगर हम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून तो वो बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस हो जाती है, जिसको हम क्या करते हैं पावर की फॉर्म में दिखा देते हैं, तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको भी अगर हम दिखाना चाहिए तो देखो इसने डेसिमल हमारा 0.00008837 ये आ गया। अगर मैं इसको ये लिखूँ 8.37 लिखूँ, ठीक है, तो ये देखो डेसिमल कितने प्लेस राइट में गया है। अगर डेसिमल राइट में शिफ्ट हो रहा है तो हमारी पावर नेगेटिव में हो जाती है, अगर डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव में हो जाती है पावर। देखो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 8 के बाद यहाँ पहुँच गया है, तो 6 पोजिशन। तो हम क्या करेंगे, राइट में गया तो 10^-6 ये हमारा क्या जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको ये नहीं लिखता 8 पॉइंट, या तो मैं ये लिख सकता हूँ या फिर इसको 83 अगर मैं कर देता हूँ तो नेक्स्ट पोजिशन और कितने हो गए, 7 पोजिशन पर गया है, तो इसको मैं लिख देता 10^-7। आपके दोनों ही आंसर ठीक हैं, आप कौन सा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर ये बोल दे कि यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दे दे और यूजुअल फॉर्म में निकालने के लिए बोल दे, तो जैसे इसने क्वेश्चन दे दिया 3.6 1492 × 10^6, इसने ये दे दिया हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, पावर में दे रखा है, तो अब इसको हम यूजुअल फॉर्म में लेकर आएंगे तो इसको हमें ऐसे इस टाइप से लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहे थे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड हो रहा तो डेसिमल में पहुंच जाएंगे। अब देखो हमारा क्या था 10^6 है, तो यानी ये डेसिमल को ख़त्म करता चलेगा। अगर 1 होता तो 3.6 को हम 36 बोल देते, अगर 10^2 होता इसका मतलब 100 होता तो हम 361 बोल देते इसको। तो वैसे ही 10^6 है, यानी 1 के बाद 60 वाला हमें मिल रहा है। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 और 10,000,000, 3 और 3, 6 ये वाला नंबर इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कितने डेसिमल को ख़त्म कर देगा, 3 और 3, 6 को, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसमें हैं कितने, 5 ही हैं, तो पहले 3 5 को ख़त्म करो तो कितना हो जाएगा, इनका डेसिमल कंप्लीट ख़त्म हो गया, 5 ही हुआ है, 6 वाला तो कंप्लीट करने के लिए है ही नहीं, तो उसके प्लेस पर क्या आ जाएगी 0। तो ये होती है हमारी यूजुअल फॉर्म। अगर यहाँ पर इसने दे रखा होता, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर कोई एग्जांपल में इसने दे रखा होता 4, 9, 2 × 10^3 दे रखा होता मान लो, तो हमें पता है कि 10^3 है तो ये 3 डेसिमल को ही ख़त्म कर पाएगा, यानी 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3, 6, 1, 2, 3 इन पोजीशन को ख़त्म कर दे तो डेसिमल यहाँ लग जाएगी हमारी, तो ये यूजुअल फॉर्म हो गई, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, या तो पावर को पावर में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव कोई नेगेटिव में दे रखा है तो उसकी पॉजिटिव प्लेस पर लेकर जाना, सोल्व करना, या फिर यूजुअल से स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में। तो आप जितने ज़्यादा हो उसके इन क्वेश्चन की ट्राई कीजिए, और इसके बाद भी कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।